देवभूमि में दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉक में रोज़ की तरह आपका स्वागत है। मैं रोज़ की तरह ऐसे भ्रमण करते करते आज इंदिरा नगर के मुंशीपुलिया के हनुमान मंदिर में पहुंचा। यहां पर देखिए भक्त लोग जो हैं बहुत अच्छी पूजा कर रहे हैं और आज ज्येष्ठ मास का तीसरा मंगल है। देखिए हनुमान जी के ऊपर कितनी आस्था है लोगों की। लोग अपना फूल माला लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं और इनका बहुत अच्छा ये मंदिर की स्थापना बहुत पहले हुई थी। यहाँ पर दिन भर ये लगभग दिन भर में ये खुला रहता है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार श्रद्धालु लोग हैं, आते हैं जाते हैं और पूजा कर रहे हैं। ये हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है। हम भी यहाँ पर रोज आते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और मंदिर भी देखिए ये पंडित जी हैं, पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। सब अच्छा मंदिर है ये, देखिए बहुत ही अच्छा लोगों की श्रद्धा है। यहाँ पर तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, फूल माला लगी है और सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं। और देखिए हनुमान जी के प्रति लोगों का कैसा वो है। ये पंडित जी हैं, ये हनुमान जी का मंदिर देखिए, आप देखिए बहुत बढ़िया अच्छा मंदिर लग रहा है। बहुत ही अच्छा पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। भगवान जी का मंदिर, भगवान जी को स्मरण करता हूँ कि मतलब भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का बहुत ही होता है। यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। ये बहुत पहले इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सौंदर्य है। लोग भक्त लोग इसमें बहुत आते हैं। ये मंदिर में पुजारी लोग 5 बजे उठ करके अपना भगवान की सेवा करते हैं और इन लोगों को ये लोग अपना बहुत ही अच्छी साफ सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं और बहुत ही अच्छी पूजा करते हैं। और इन लोगों को बहुत ज्ञान है, रोज़ पूजा पाठ करते हैं और इनका जो है ये लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। ये पंडित जी देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा मतलब इनका मतलब बहुत ही अच्छे प्रकार सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं। हनुमान जी को देखिए आप इतने अच्छे भगवान जी का स्मरण करते हैं। भगवान हनुमान जी हमेशा ब्रह्मचारी रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी के लिए बड़ी आस्था है। भगवान कलयुगी देवता हैं और ये जो जैसा चाहे बलशाली हैं, ये लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं और इनकी शक्ति के बदौलत लोगों का जीवन चलता है। देखो आज जगह जगह भंडारे भी हो रहे हैं और भंडारे हैं, लोग फूल माला खरीद रहे हैं। देखिए कितना अच्छी फूल माला है, लोगों का अंबार लगा है। गरीब लोग जो हैं शादी के लिए जहाँ तहाँ देख रहे हैं। देखिए कितना अच्छा मंजर यहाँ पर है, बहुत अच्छा सुहाना लग रहा है। देखिए लोगों में इतनी श्रद्धा भाव है और ये पंडित जी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये दुर्गा माता का मंदिर है। ये मुंशीपुलिया का सबसे प्राचीन मंदिर है जो कि मैं 86 में यहाँ लखनऊ में आया था, मैंने तब से इस मंदिर को देखा। पहले ये जीर्ण शीर्ण थोड़ा वैसा ही था लेकिन धीरे धीरे लोगों ने श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे करके इस मंदिर को बहुत ही सुहावना बनाया, बहुत ही सब भव्य बनाया और अच्छा बनाया। यहाँ पर लोग जा करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लोगों को बड़ी श्रद्धा है इस मंदिर से। तो ये देखो ये पंडित जी जो हैं अपना देख रहे हैं, यहाँ पर घंटियाँ हैं, पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं और देखिए अपना बहुत श्रद्धालु। अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, अभी 4 बजे से यहाँ पूजाएँ शुरू हो गई हैं, लोगों की श्रद्धा है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। ये देखिए ये प्रसादी का वो है, प्रसादी हो रही, ये पेड़ लगे हुए हैं, ये पंडाल लगा हुआ है क्योंकि श्रद्धालु लोग आज दिन भर यहाँ पर आएंगे और इस मंदिर में पूजा है। लोग सभी लोगों को यहाँ पर आकर के भगवान से भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। हनुमान जी जो हैं बोला है, पौन तनय शंकर शरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरूप। पवन तनय शंकर शरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों। लाल रे लाली लसे अर्धर लाल अंगूर, वज्र दे दानव धनु, जय 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 गसू। ये हनुमान जी का सबसे बड़ा वह है रूप है
हनुमान जी ने बड़ी शक्ति से श्री राम जी का साथ दिया था, इसलिए कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवता के रूप में हनुमान जी को देखो। ये भैया अपना प्रसादी ले जा रहे हैं, अपना फूल माला अर्पण किया है, इन्होंने पूजा की है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्रद्धा है इनके भगवान के प्रति, इनकी लोगों की ऐसी श्रद्धा है, देखिए कितनी श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से बेचारे पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे हिंदू परंपरा में भगवानों के प्रति इतना लगाव है, इसी बदौलत हमारा देश उन्नति कर रहा है। और ये मंदिर मुंशीपुरिया के मेन सड़क के किनारे पर है, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए पंडित जी लोग सब इतना रखते हैं, तो मैं पंडित जी से तो अभी थोड़ा रूबरू होना चाहता हूँ, लेकिन पंडित जी थोड़ा बिजी हैं, एक नज़र पंडित जी थोड़ा बिजी हैं और वह थोड़ा अपना वह कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं, लोग आ रहे हैं अपना वह कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही वह होता है, पूजा पाठ होती है, ये कभी भी खाली नहीं रहता है, यानी रोज़ इसमें पूजा अर्चना होती रहती है। और ये देखिए ये पूजा अर्पण कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं भी अपना रोज़ जाता हूँ, और रोज़ सवेरे मॉर्निंग में जाके भगवान हनुमान जी का मैं भी भक्त हूँ, काफ़ी लोग भगवान जी के भक्त हैं, भगवान हनुमान जी को बहुत लोग मानते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो ये भैया जो है अपना प्रसादी लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लोगों में श्रद्धा है। देखिए पंडित जी जा रहे हैं, इनके अंदर भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है, श्रद्धा होनी चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, हम सकारात्मक दिशा की तरफ जाते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छी बातें करते हैं, समाज में अच्छा संदेश ले जाते हैं, भगवान हमको सदमार्ग पर ले जाता है सभी को। तो ये हमारे हिंदू धर्म की बहुत ही अच्छी परंपरा है, पूजा पाठ में ध्यान रखना, भगवान का स्मरण होता है, हम थोड़ी देर के लिए समाज से हट करके थोड़ा सा भगवान के प्रति अपना श्रद्धा रखते हैं, इससे हमारा जीवन सफल होता है, हमारे रोज के कार्य जो हैं सफल होते हैं, हमारे कार्यों में प्रगति होती है, हर आदमी अपने जीवन को सुख संपन्न और समृद्धिशाली बनाने के लिए पूजा पाठ करता है, और कुछ लोगों की श्रद्धा अपने आप ही होती है, वो अपना भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों ये मैंने अभी मतलब यहाँ पर मैं रोज़ आता हूँ, देखिए भैया अभी जा रहे हैं, देखिए ये प्रसादी का पंडाल लगाए, गरीब लोग जो हैं देखो ऐसे बैठे हुए हैं, उनकी भी ऐसी है, ये भी यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करते हैं और और बहुत बढ़िया लगा। ये मंदिर देखिए आप, बहुत बढ़िया ऊपर लिखा हुआ है, आप इस मंदिर को देखिए, पूरा लिखा है प्राचीन हनुमानगढ़ी मुंशीपुलिया स्वर्गीय श्री लाल दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद अग्रवाल के पर कमलों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार दिनांक 8/6/2003 को संपन्न हुआ इसका। देखिए उन बेचारों ने जो अग्रवाल जी थे, उन्होंने ठाकुर प्रसाद अग्रवाल जी ने इनको इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, इसलिए पहले बहुत ही वैसा था, तो मतलब सामान्य था, लेकिन उन्होंने इसमें अपना श्रद्धा से अपना जो भी राशि है वो लगा करके इस मंदिर को भव्य बनाया। आज लोगों को सुविधा हो रही है, लोग इसको सुन रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और काफ़ी लोग महिलाएं यहाँ पर बैठकर कीर्तन करती हैं, भजन करती हैं, जो बहुत ही अच्छा। देखो छोटी छोटी बच्चियाँ भी, उनको भी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, भगवान हनुमान जी को हमेशा स्मरण करना चाहिए। मैं फिर से हनुमान जी को दिखाता हूँ, देखिए हनुमान जी का स्मरण करिए सब लोगों को, ये देखिए ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये हनुमान जी हैं, देखिए ये हनुमान जी हैं, इनकी पूजा, और ये देखिए पंडित जी अपना पूजा कर रहे हैं, ये महिलाएं जो हैं अपनी पूजा करके आ रही है, ये देखिए सब पूजा स्मरण अर्पण करते हैं, देखिए ये देखिए ये प्रसादी है, यहाँ से लोग महिलाएँ प्रसाद ले जा रही हैं, और सबको भगवान के प्रति बहुत ही आस्था है। और ये जो है आज ज्येष्ठ मास का तीसरा मंगल है, लोगों में इतनी सजा दी के ये प्रसादी बनाए हुए हैं, ये हनुमान जी जो है बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू बहुत ही पसंद करते हैं, वही उन पर अर्पण किया जाता है, फूल माला अर्पण की जाती है। ये नगर निगम वाला भी, ये देखो नगर निगम वालों ने भी इसको बनाया है, इसमें नगर निगम लखनऊ मुंशीपुलिया चौराहे के और विंडो पार चौराहा होते हुए सुषमा हॉस्पिटल मोटर मार्ग का नामकरण ये इन्होंने बनाया है, संयुक्ता भाटिया जो कि यहाँ की महापौर रही हैं, उनके पर कमलों से ये बना हुआ है, और यहाँ पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। दोस्तों, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धावनी, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हनुमान जी के प्रति हिंदू धर्म में, जो भी हर धर्म में हनुमान जी को माना जाता है, हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी सभी पर दया करते हैं। जय ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निजम नमक उद्धार, भरणो रखबर विमल सुरौ सोदाय फलदार, बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या रे मुई हरम करी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिंधु लागे राम दूत अतुल बलधामा अंजलि भूत पवसु नामा। ये हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा गाई जाती है, जो हमारे सब लोगों को इसका स्मरण करना चाहिए, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे हमें किसी प्रकार का भय मुक्त रहते हैं, दोष मुक्त रखते हैं और सकारात्मक बातें दिमाग में आती हैं। तो ये देखिए, ये हनुमान जी का बहुत बड़ा, ये दुर्गा माता है, हनुमान जी का मंदिर, पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छा मतलब अपना पूजा पाठ करते हैं। देखिए कितना श्रद्धा से अपना काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी श्रद्धा के साथ काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए लोगों से यही कहता हूँ कि भगवान के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, हम समाज में उन्नति करेंगे, हमारे दिमाग में अच्छे भाव आएंगे, विचार आएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो हम आगे को बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश सब पहले से ही देवी देवताओं के प्रति बहुत ही सकारात्मक भावों से आगे चलने वाला है। उन्हीं के बल पर हमारे देश में कोई भी विकट समस्याएं आती हैं तो सब अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ये हमें हनुमान जी का बहुत बड़ा वह है। पवन तनय शंकर शरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, रोज सभी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं। मैं भी यहाँ पर पूजा पाठ करता रहता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ और सभी लोग आते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है भगवान के प्रति। हर आदमी की, गरीब अमीर, हर आदमी की श्रद्धा होती है, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा हिंदुस्तान का, हमारे भारत का की संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हम अपने संस्कारों से बंधे रहते हैं, इसलिए हमारे भावी लोग भी उन संस्कारों का अनुपालन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबके जीवन की मैं आज तीसरे मंगल, ज्येष्ठ मास के तीसरे मंगल के अवसर पर सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। और ये पंडित जी देखिए अपना बहुत ही श्रद्धा के साथ काम करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, मंदिर में सफाई करते हैं और साफ सुथरा रखते हैं और बहुत ही बढ़िया करते हैं। देखिए इनका योगदान बहुत ही बढ़िया है, ये समय समय पर एक के साथ दूसरा आता है और बहुत ही अच्छा ये कार्य करते हैं। और मैं सभी से कहूँगा कि सब यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करें। और ये पंडित जी आपका नाम बताइए। संतोष कुमार मिश्रा। इनका नाम संतोष, हाँ। संतोष कुमार मिश्रा जी हैं। ये सुबह देखिए 4 बजे उठ जाते हैं, उठने के बाद भगवान की अर्चना करते हैं, यहाँ पर दिया बाती जलाते हैं। ये मंदिर बहुत पुराने समय से यहाँ पर है, इसका जीर्णोद्धार किया गया था और 2003 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। पंडित जी को मैं बहुत बचपन से यहाँ पर देख रहा हूँ और मैं इनका, ये जो भगवान हनुमान जी के प्रति जो इनकी श्रद्धा है, मैं इनको जो है इनके सफल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी लोगों से करता हूँ कि यहाँ पर जो है हनुमान जी को अधिक से अधिक आज ज्येष्ठ मास के तीसरे मंगल पर मैं सभी लोगों के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम, जय बाबा।